لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الا سيما بقية الله في العالمين ارواح العالمين له الفداء اما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون درود بجاه محمد علی محمد अज़ीज़ान-ए-गिरामी माद और उसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात अकीदा माद और उसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात के उनवान से मुख्तसर कुछ बातें आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। जिस आयत करीमा को सरनामा कलाम करार दिया है सूरह मोमिनून की आयत 115 है जिसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया अफहसिबतुम क्या तुम ये गुमान करते हो अन्नमा खलकनाकुम अबसा हमने तुम्हें बग़ैर किसी मकसद के बिला किसी वजह के बेहुदा खल्क किया है व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें हमारी जानिब पलट के नहीं आना। यानी खुदावंद आलम ने इस आया करीमा के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि देखो अगर हमारी जानिब पलट कर न आना होता तो तुम्हारी खिलकत अबस थी। अगर इंसानों को खुदावंद आलम की जानिब पलटना ना होता अगर माद यानी क़यामत ना होती तो खुदा आलम कह रहे हैं ये पूरी खिलकत अबस थी। अफा हसिब तुम अन्नमा खलक ना कुम अबसा क्या तुमने ये देखा या तुमने गुमान किया कि हमने तुम्हें अबस खलक किया नहीं हमने तुमने अबस खलक नहीं किया किस लिए खलक किया इसलिए कि तुम खुदावंद आलम की जानिब पलटाए जाओगे। बस खुद इस आयत के अंदर के जो सूरह मोमिनून की 115वीं आयत है इसके अंदर खुदावंद आलम ने माद के बारे में माद की अहमियत माद यानी क़यामत क़यामत के बारे में हमें मुतवज्जे किया। यहाँ एक मशहूर आयत है जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कलमय इस्तिरजा जब हम किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो हम क्या करते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन बेसाख्ता हमारी ज़बानों से निकलता है इन्ना लिल्लाह बेशक हम अल्लाह के लिए अल्लाह की जानिब से हैं व इन्ना इलैहि राजिऊन और यकीनन हमें उसी की जानिब पलट कर जाना है। बस क़यामत या मौत या माद एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हम और आप हर शब रोज़ ज़िक्र सुनते हैं या ज़िक्र करते हैं और इस आयत करीमा के मुताबिक जो सूरह मोमिनून की 115वीं आयत है अगर माद ना हो तो ये खिलकत अबस हो जाएगी। खुदावंद आलम एक तरफ कह रहा है कि माद है इसलिए कि खुदावंद आलम कोई चीज़ अबस खल्क नहीं करता क्यों क्योंकि खुदावंद आलम हकीम है खुदावंद आलम अलीम है खुदावंद आलम कदीर है। बेहुदा काम अबस काम वो करता है कि जिसके इल्म में कोई कमी हो या कुदरत में खुदावंद आलम वो है कि जिसके ना इल्म में कमी है ना कुदरत में कमी यानी उसका इल्म कामिल है इल्म मुतलक है कुदरत मुतलक है खुदावंद आलम के पास। बस जिसके पास इल्म मुतलक हो कुदरत मुतलक हो उसके काम में कोई झोल नहीं होगा उसका कोई काम अबस नहीं होगा। मैं और आप मुमकिन है किसी काम को शुरू करें बीच में छोड़ दें ये जो हमने काम शुरू करके बीच में छोड़ दिया ये अबस हो गया क्यों क्योंकि हमारा इल्म नाकिस था हम समझ रहे थे हम इस काम को फलां तरीके से अंजाम देंगे जवाब मिलेगा बीच में पहुंचे देखा कि नहीं हमारा तरीक़ा सही नहीं था छोड़ के दूसरे रास्ते की तरफ चले गए। ये जो पूरी प्रैक्टिस हुई इस काम को बीच में ला के छोड़ने तक ये अबस हो गई बेहुदा हो गई क्यों क्योंकि हमारा इल्म काफ़ी नहीं था हमने जिस चीज़ को पहले सही समझा था
कुछ ज़माना गुजरने के साथ साबित हुआ कि नहीं, ये तरीक़ा सही नहीं, दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। नतीजे में हमसे क्या काम हुआ? अबस काम हुआ। लेकिन जिसका इल्म मुतलक हो उसका काम अबस नहीं होता, जिसकी कुदरत मुतलक हो उसके काम में अबस का कोई सवाल नहीं है। और ख़ुदा ने अपने काम के अबस ना होने को दलील किस चीज़ को बनाया? माद को, कि अगर तुम्हारा पलट के ना आना होता तो फिर ये तुम कह सकते थे कि हमारा पैदा किया जाना अबस है। यानी खुदा ने हमें सिर्फ खल्क कर दिया, क्यों? क्योंकि हम सुबह उठें, उठने के बाद अपनी ज़िंदगी की तगदों में लग जाए, कुछ मेहनत कर लें, माल और दौलत कुछ हासिल हो जाए, उसके बाद हमारे दिन भर का इंतज़ाम हो जाए, खाना खा लें, पी लें, उसके बाद शादी करें, नस्ल आगे बढ़े और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इसका कोई मकसद ना हो, इन तमाम कामों का कोई महवर ना हो, तो ये काम अबस है। खुदावंद अलम ने कहा नहीं, तुम्हें हमारी तरफ पलट के आना है, लिहाजा अपनी खिलकत को बेहूदा मत समझो, अपनी खिलकत को बातिल ना समझो। खुदावंद अलम की बारगाह में कोई काम बातिल नहीं है। बस खुदावंद अलम ने हमें खल्क किया, माद और उसकी याद हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर डालती है, खुद माद की अहमियत क्या है, इसको कुरान करीम की एक आयत ने बयान किया। कुरान करीम की ये आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, वज़्कुर अब्दना इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब उलिल ऐदी वल अब्सार। ज़िक्र कीजिए किस किस का? इब्राहीम का, उनके बेटे इसहाक़ का और याकूब का। ये कौन लोग थे? उलिल ऐदी वल अब्सार, साहिबान क़ुव्वत और साहिबान बसीरत थे, साहिबान बसीरत थे। इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतन ज़िक्रद्दार, हमने इनको खालिस कर लिया था पूरे खुलूस के साथ, किस चीज़ के लिए? ज़िक्रद्दार, आखरत की याद के लिए। खुदा ने कहा कि ज़िक्र कीजिए, यानी रसूल अकरम को ज़ाहिरन हुक्म है, वज़कुर, ज़िक्र कीजिए, याद कीजिए, उनकी याद मनाइए, किनकी? इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब की। किस वजह से? कि हमने उनको खालिस कर लिया था। इन्ना अखलस ना हूँ, हमने, तवज्जो तलब नुक्ता ये कि इन्ना अखलस ना हूँ, हमने उनको खालिस कर लिया था, बेखालिसतन, एक ख़ास चीज़ से। वो ख़ास चीज़ क्या है? बेज़िक्रदार, आखरत की याद। यानी हमने इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब को आखरत की याद से मखसूस कर लिया था। इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब आखरत को भुलाते नहीं थे। गोया खुदावंद आलम ने ये इरशाद फरमाया, आगे मोहसिन क़राती ने इस आयत के ज़ेल में बयान किया तफसीर में, कीर खुदा ने कहा इन्ना अखलसनाहुम, यानी हमने उन्हें हदिया दिया, हमने इस खुलूस का तोहफा उनको दिया, क्योंकि हमने क्या, खुदा ने क्या कहा? इन्ना अखलसनाहुम, हमने खालिस किया। अब हमने जब खालिस किया, यानी हमने तोहफा दिया, हमने उनको नेमत दी, हमने उन्हें फ़ज़ल दिया, क्या है फ़ज़ल इलाही? याद आखरत। बस अगर किसी के दिल में याद आखरत है, वो ये बात समझ ले कि खुदावंद आलम ने उसको मुंतखब किया, खुदावंद आलम ने सियाद आखरत के ज़रिए उसके ऊपर इनाम किया, उसके ऊपर इकराम किया। खुदावंद आलम की जानिब से हदिया है आखरत की याद करना, इसकी अहमियत ये है। या इसी तरह हम और आप शब व रोज़ में पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें एक जुमला आखरत के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मालिक यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये तकरार है बार बार, यानी खुदा कह रहा है पांच वक्त जब मेरे सामने आ रहे हो, कम से कम पांच वक्त, वरना इससे ज़्यादा इंसान खुदा के सामने नमाज़ों के ज़रिए जाता है, कम से कम पांच वक्त में जब आ रहे हो तो मालिक यौमिद्दीन का हो, यानी खुदा को क़यामत के दिन का मालिक समझो। ये हम सब जानते हैं कि फ़कत ज़बान से समझना हमारे किसी दर्द की दवा नहीं है, बिल्कुल उसी तरह के जैसे ज़बान से तिलावत कुरान करने वाले करबला में मौजूद थे मगर इमाम हुसैन के बच्चों पे पानी भी बंद किया उन्होंने। ज़बान से तिलावत कुरान करने वाले करबला में मौजूद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल भी किया उन्होंने। फ़कत ज़बान से किसी चीज़ का जिक्र फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा जब तक ये ज़बान का जिक्र कल्ब में दाखिल ना हो। खुदावंद आलम कह रहा है मालिक यौमिद्दीन का हो कम से कम पाँच मरतबा, यानी क्या मतलब है? यानी अपने कामों को खुदा के महवर के गिर्द घुमाओ। मालिक यौमिद्दीन का हो तो मायूस ना हो, मालिक यौमिद्दीन का हो तो इस बात पर यकीन रखो कि एक दिन हमारी ये मेहनतें नतीजा लाएंगी, एक दिन हमारी ये जहमतें रंग दिखाएंगी।
ये जो हम हर सुबह नमाज फजर के वक्त सर्दी हो या गर्मी रात की तारीकी को नहीं देखते, सर्दी को नहीं देखते, गर्मी को नहीं देखते, अजान की आवाज़ सुनते हैं मस्जिद में आ जाते हैं, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि क्या हो गया, घर में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, इतनी सर्दी में क्यों बाहर जा रहे हैं, हालात ऐसे हैं, हम इनकी तमाम बातें बर्दाश्त करते हैं चूँकि ये दिन एक दिन नतीजा लाएंगी, ये चीज़ें कब लाएंगी, जब यौमुद्दीन आएगा कि जब खुदावंद आलम अहले महशर के सामने बयान करेगा, दिखाएगा कि देखो मेरे खालिस बंदे, मेरे मुखलिस बंदे कि जो अपनी रातों की नींद को मेरी खातिर हराम किया करते थे। बस ये मालिक यौमुद्दीन खुदा कह रहा है कि दिन में कम से कम 5 बार कहो ये नमाज, इसकी माद की याद की अहमियत है। खुदावंद आलम हमसे ये चाहता है कि हम माद को याद रखें। और मैंने अर्ज़ किया कि इस आयत के अंदर ज़ाहिरन सूरह सौद की आयत थी, इसमें खुदावंद आलम ने कहा कि हमने खालिस किया इब्राहिम इसहाक़ और याकूब को आखरत की याद से, खलूस अता किया उनको। बस ये माद की याद की अहमियत है कि हम और आप माद को याद रखें। माद या क़यामत जिसको हम कहते हैं, माद खुद पलटने से, पलटना यानी इसका मतलब हम एक जगह से आए हैं और फिर हमें पलटना है। अब जब हम कोई शख्स किसी जगह से सफ़र करता है, उसको वापस उस जगह आना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुसाफिर। हमें रिवायात ने यही बयान किया कि तुम इस दुनिया में अपने आप को दायमी नहीं समझो, तुम इस दुनिया में मुसाफिर हो। जब मुसाफिर हो तो मुसाफिर की तरह रहो। मुसाफिर की तरह कैसे रहा जा सकता है? मुसाफिर अपनी गाड़ी में, ट्रेन में, जिस चीज़ में भी सफ़र कर रहा हो, रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजिर गुजरते हैं, मुसाफिर इन मनाजिर को देख कर महसूस होता है, दिल नहीं लगाता इनके साथ। क्यों? इसलिए कि इसको पता होता है कि यहाँ मैंने रहना नहीं, मैं इस जगह दिल वाबस्ता कर नहीं कर सकता अपना। मैं दिल वाबस्ता करूंगा तो ये मंजर कुछ देर बाद मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, फिर हसरत रहेगी मेरे लिए। लिहाजा एक मुसाफिर कभी रास्ते से गुजरने वाली चीज़ों से दिल नहीं लगाता, महसूस होता है। जो इस्तेमाल के काबिल चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करता है, इस्तेफादे के काबिल चीज़ें होती हैं इस्तेफादा करता है, लेकिन दिल नहीं लगाता। बस रिवायतों ने यह बयान किया कि तुम इस दुनिया में मुसाफिर हो। माद ये याद दिलाती है कि तुम मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो, कि जैसे मुसाफिर गुजर रहा है, रास्ते की हज़ारा चीज़ें देख रहा है, मुतासर हो रहा है, दिल नहीं लगा रहा, उन चीज़ों को दायम नहीं समझ रहा। माद क्या करती है? माद ये काम करती है। जब माद को हम याद रखेंगे क्या होगा, हमारा दिल दुनियावी चीज़ों में उलझेगा नहीं। मासूम से पूछा गया कि दुनियादारी क्या होती है, आया दुनिया की नेमतों को इस्तेमाल ना करना ये दुनियादारी से दूरी है? कहा नहीं, खुदावंद आलम ने नेमतें बनाई इंसान के लिए। कुरान करीम की आयत है, वसख्खरा लकुम मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए मुसख्खर किया गया है। वसख्खरा लकुम, तुम्हारे लिए, तुम इंसानों के लिए, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है तुम्हारे लिए मुसख्खर किया गया है, तुम्हारे लिए बिछाया गया है, ज़मीन का फर्श तुम्हारे लिए बिछाया है, इसके अंदर हज़ारा नेमतें खुदा ने तुम्हारे लिए मुहैया की हैं, इसके अंदर दरख्त तुम्हारे लिए उगाएँ, इसकी नेमतों को तुम्हारे लिए बनाया है। अब जब तुम्हारे लिए बनाए तो क्या करो, इस्तेफादा करो, इनको इनसे बरतने का काम लो, इनसे दिली वाबस्तगी पैदा ना करो, पैसा हासिल करो, पैसे से मोहब्बत ना करो। लिहाजा अहमद ने यह बयान किया कि दुनियादारी ये नहीं है कि इंसान इन चीज़ों से इस्तेमाल करना छोड़ दे, नहीं, इन चीज़ों का इस्तेमाल मोमिन के लिए ही है, कायनात मोमिन के लिए खल्क की गई है, लेकिन मुसाफिर की तरह गुजरते हुए, जिस तरह मुसाफिर रास्ते की हज़ारा चीज़ों को देखता है और मुतासर होता है, पसंद आती है उसको वो चीज़ें, लेकिन दिल नहीं लगाता क्योंकि उसे पता होता है यहाँ से गुजरना है, ये मेरी मिल्कियत में नहीं आएगी चीज़, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूँगा। बस आखिरत की जो याद है वो इस वजह से अहम है कि इंसान जब आखिरत को याद रखेगा तो नतीजे में क्या होगा, दुनियादार नहीं बनेगा, दुनियादारी की तरफ माइल नहीं होगा। जिस शख्स का दिल दुनिया से खाली होगा वो शख्स होगा कि जिसको आइम्मा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकाम हासिल होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपने कातिलों को मुखातिब करके क्या इरशाद फरमाया था, कहा था कि तुम इसलिए मेरे कत्ल पर आमादा हो गए हो कि तुम्हारा दिल दुनियादारी की तरफ रागिब है, कि तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत ने घर कर लिया है। इस दुनिया की मोहब्बत के नतीजे में तुम जानते हुए कि मैं नवासे रसूल हूँ, मेरे गले पर छुरी चलाने पर तैयार हो, ये जानते हुए कि मेरे साथ आले रसूल है, इनका पर्दा छीनने पर तैयार हो। क्यों? क्योंकि दुनियादारी ने तुम्हारे दिलों में घर कर लिया है। दुनियादारी इतनी मजमूम शह है, इसीलिए खुदा ने मोमिनों के लिए, शायद इसीलिए खुदा ने मोमिनों के लिए फ़र्ज़ करार दिया कि आखिरत की याद हमेशा रखो, और खुदा ने इसको तोहफा करार दिया अपनी जानिब से। माद और उसकी याद और उसका जिक्र फ़कत इस्लाम से मखसूस नहीं है, जो नबी भी आया उसकी बुनियादी तालीमात का महवर तौहीद, तौहीद के बाद आखिरत।
हर नबी ने अपनी दावत की इब्तिदा की तौहीद से, खुदा की याद, खुदा और उसके बाद आखिरत का जिक्र किया। ये माद करती क्या है, माद की याद करती क्या है, हमारी ज़िंदगियों पे असर अंदाज कैसे हो सकती है, इसका क्या फ़ायदा है, इसको इंशाल्लाह बयान करते हैं। कि उससे पहले ये बयान करूँ कि माद के मामले में दो तरह के लोग हैं, यानी क़यामत के बारे में दो तरह के लोग हैं। पहला ग्रोह वो है कि जो आखरत का, क़यामत का, पलटने का इनकार करता है, जो मानता ही नहीं, यौम हिसाब को नहीं मानता, ला यूमिनु बियौमिल हिसाब। एक ग्रोह वो है कि जो रोज़े हिसाब को, रोज़े जजा को, माद को, क़यामत को मानता नहीं, इनकार करता है। अगर कोई आखरत का इनकार करे तो फिर क्या होता है, सूरह माऊन की कुछ आयतें इसके बारे में बयान कर रही हैं। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, आया उसको देखा है कि जो आखरत का इनकार करता है, क्या होता है जब वो आखरत का इनकार करता है, तो क्या करता है, फज़ालिकल्लज़ी यद्दुल यतीम, चूँकि आखरत का इनकार करता है लिहाजा यतीम को धुतकारता है, आखरत का इनकार करता है, यतीम से बेएतनाई बरतता है, चूँकि आखरत को नहीं मानता लिहाजा माशरे में होने वाले मुश्किलात की नस्बत अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता, आखरत पर यकीन नहीं रखता, इसलिए ये नहीं देखता कि जो यतीम हो गया इसकी सरपरस्ती में मेरा भी हिस्सा है, चूँकि आखरत पर ईमान नहीं रखता। हज़ारों होने वाले वाक़यात, उनके नतीजे में होने वाले शहदा, उनके बच्चों से गफलत बरतता है, अपने आप को किसी चीज़ की नस्बत मसूल नहीं समझता, क्यों, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, आखरत को नहीं मानता। वला यहुज़ु अला तआमिल मिस्कीन, चूँकि आखरत का इनकार कर दिया, अब दुनियादार हो गया, जब दुनियादार हो गया अपने पैसे को सिर्फ अपने लिए समझता है, लिहाजा ना मिस्कीन को खाना खिलाता है, ना किसी को तरगीब दिलाता है कि इसको खाना खिलाओ, भूखे को पड़ा हुआ देखता है, आंखें बंद करके गुजर जाता है, क्यों, आखरत का इनकार करता है, अपने पैसे को अपने लिए समझता है। लिहाजा आखरत का इनकार करने के नतीजे में क्या होता है, इंसान अपनी बुनियादी इंसानी सिफात से हाथ धो बैठता है। ये जो दो सिफात खुदा ने बयान की, या दुअल यतीम, यतीम को धुतकारता है, यतीम वो कि जिसका सरपरस्त चला गया, एक इंसान उस शख्स पर रहम खाता है कि जिसके बाप का साया उसके सर से उड़ जाए, वो शख्स की जो आखरत का इनकार करता है इस बुनियादी इंसानी सिफत से महरूम हो जाता है। एक गरीब को देखकर उसकी जानिब इंसान का दिल माइल होता है कि इसकी मदद करे, आखरत का इनकार करने वाला इस बुनियादी इंसानी सिफत से महरूम हो जाता है। बस आखरत को ना मानने का नुकसान ये होता है कि इंसान इस बुनियादी इंसानी सिफात से महरूम हो जाता है। जब इंसान बुनियादी इंसानी सिफात से महरूम हो जाता है तो फिर क्या होता है, इंसान हैवान से ज़्यादा पस्त हो जाता है। उसके बाद दूसरे लोग कौन से हैं, यकीनन मेरा और आपका शुमार इस ग्रोह में नहीं होता कि जिन्होंने आखरत का इनकार किया, हम और आप आखरत पर यकीन रखते हैं, हमारे उसूल में, उसूल दीन जिसको हम कहते हैं माद या क़यामत, उसका लाजमी हिस्सा है, जिसको हमें कहा गया अक़ल समझो, हम और आप इस ग्रोह में नहीं हैं कि जो यौमद्दीन का इनकार करते हों, हम और आप उन लोगों में से नहीं हैं जो आखरत का इनकार करते हैं, हम और आप किस ग्रोह में हो सकते हैं। दूसरी आयत है सूरह सवाद की आयत नंबर 26, इसमें खुदा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यदिल्लून अन सबीलिल्लाह, वो लोग के जो खुदा के रास्ते से भटक जाते हैं, लहुम अज़ाबुन शदीद, इनके लिए शदीद बदतरीन अज़ाब है, क्यों, बेमान नसू यौमल हिसाब, क्योंकि इन लोगों ने आखरत की याद को भुला दिया। यहाँ तकज़ीब की बात नहीं है, ये वो ग्रोह नहीं है कि जिसने इनकार किया क़यामत का, ये नहीं कहा कि नहीं क़यामत वयामत नहीं आनी, माद नहीं है, इस दुनिया में इंसान आया, ज़िंदगी गुजारेगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फ़ना हो जाएगा, नहीं, ये वो ग्रोह है जो फ़ना का कायल नहीं है, यानी मैं और आप, यानी मोमिनों का गिरोह वो है जो इस बात का कायल है कि मरने के बाद महशूर होना है, मरने के बाद मबूस होना है, मरने के बाद उठना है, लेकिन दुनियावी जिंदगियों में इतना मशगूल हो गए कि नसू यौमल हिसाब, आखरत को भूल गए, आखरत की याद पर पर्दा पड़ गया, यानी काम करने से पहले ये नहीं सोचा कि इस काम का नतीजा आखरत में क्या करेगा, अपने भाई की ज़मीन पर कब्जा करने से पहले ये नहीं सोचा कि इस भाई की ज़मीन पर जो कब्ज़ा कर रहा हूँ इसका खुदा के सामने भी जवाब देना है, अपने भाई को शरीफ पाया, मिस्किन पाया, देखा कि कुछ नहीं कहेगा, ज़मीन हथिया ली, अपने बच्चे पे बिलावजह सख्ती करने से पहले ये नहीं सोचा कि बच्चा अमानत इलाही है, क़यामत के दिन इसकी तरबियत के बारे में खुदा मुझसे पूछेगा, अपने बाप, अपने माँ बाप की बेहुरमती, बेहतरामी करते वक्त ये नहीं सोचा
कि इन माँ बाप का खुदावंद आलम ने हुक्म दिया कि इनके सामने उफ भी मत करना, अगर मैं उफ करूँगा या इससे बढ़ के इनको झिड़कूंगा खुदा कयामत में पूछेगा। नसू यौमल हिसाब, ये वो गिरोह है कि जिसने आखिरत की याद को भुला दिया। हम बहुत सी चीज़ों को भुला देते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी याद में नहीं रहती। खुदावंद आलम कह रहे हैं ये लोग भी कि जो आखिरत की याद से गाफिल हो जाएंगे, यानी यकीन रखेंगे आखिरत को अकीदे के तौर पर मानेंगे मगर उससे गाफिल होंगे, आखिरत को अकीदे के तौर पर मानेंगे मगर उसकी याद को भुला देंगे। क्यों? क्योंकि आखिरत को अगर याद रखेंगे तो ये आखिरत इनकी दुनिया और उसके मज़ों में रुकावट बन रही होगी। कैसे रुकावट बन रही होगी? जब आखिरत को सामने रखेंगे हर चीज़ नहीं कर पाएंगे, आखिरत को सामने रखेंगे हर काम नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये याद माद आखिरत की याद क्या कर रही है? उनको इस्लाह के रास्ते की जानिब ले जा रही है, इस्लाह के रास्ते में रुकावटें, इन रुकावटों को बर्दाश्त नहीं करना, इसलिए क्या करते हैं आखिरत को भुला देते हैं। हाँ जब आएगी तो आएगी, देखा जाएगा। और ये वो गुरोह है कि जिसको खुदावंद आलम ने कहा इसके लिए भी अज़ाब शदीद है। मैं और आप अज़ीज़ाने किरामी मोमिनीन किराम इस गुरोह में से हो सकते हैं कि जिन्होंने आखिरत को माना है, अकीदा रखते हैं, यकीन रखते हैं कि है, हमारे अकायद का हिस्सा है, लेकिन शायद भूल जाएं हम, वक्ती तौर पे हमारी आंखों के सामने गफलत का पर्दा है। खुदा ने कहा कि वो गिरोह भी काबिल मुज़म्मत है कि जो आखिरत की याद को भुला देगा, यौमुल हिसाब को भुला देगा। अब ये यौमुल हिसाब है, इसमें होगा क्या? हिसाब होगा, हिसाब होगा तो किससे होगा और हिसाब किस चीज़ का होगा, किससे होगा, इसके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया सूरह आराफ की आयत नंबर 6, फलनस अलुन्नल्लज़ीना हतमन ज़रूर सवाल करेंगे, पूछेंगे किससे, अल्लज़ीना अरसला इलैहिम, जिन लोगों की जानिब हमने अपना रसूल भेजा था, यानी उम्मत से, यानी कौम से, लोगों से, जिसके पास किसी पैगंबर ने आके पैगाम दिया, किसी अल्लाह के वली ने आके पैगाम दिया, उस कौम से पूछा जाएगा कि तुम्हें यह पैगाम मिला था या नहीं मिला था, तुम्हें यह हक की बात सुनाई दी गई थी या नहीं दी गई थी, अगर सुनाई दी गई थी तो इस पर अमल क्यों नहीं किया, इसके बारे में खुदा पूछेगा। फ़कत उम्मत से नहीं पूछेगा, फलनस उलन्नल मुरसलीन, जिन अम्बिया के जरिए पैगाम भेजा था, जो मुरसलीन भेजे थे, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने पैगाम सही दिया था या नहीं दिया था, आपने पैगाम पूरा दिया था या नहीं दिया था, पैगाम को सही अंदाज में पहुंचाया था या नहीं। बस उम्मत से भी पूछा जाएगा और जो नबी होगा उससे भी पूछा जाएगा। सवाल क्या किया जाएगा, हिसाब किस चीज़ का होगा। वला नसअलन्ना अम्मा कुंतुम तअमलून, सूरह नहल की आयत नंबर 93, हम हतमन पूछेंगे किस चीज़ के बारे में, एक दो चीज़ों के बारे में नहीं, अम्मा कुंतुम, जो कुछ भी तुम तअमलून करते थे, जो कुछ भी करते, यानी मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ इसका मुझसे सवाल होगा, आप जो इस वक्त कर रहे हैं आपसे इसके बारे में सवाल होगा, मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा जो करूँगा सवाल होगा, हर किसी से जो कुछ वो करता है। खुदा ने कहा अम्मा कुंतुम, जो कुछ तुम करते हो तअमलून, जो कुछ तुम करते हो अमल करते हो उसका सवाल होगा। बस अगर मेरे जहन में आखरत का ये तसव्वुर हो कि खुदावंद आलम मुझसे मेरे हर अमल के बारे में पूछेगा तो यकीनन ये मेरी इस्लाह के लिए काफ़ी। बिल्कुल उसी तरह के जब मैं, अगर नौजवान मसलन यहाँ बैठे हैं कि अगर टीवी देखते वक्त अगर घर में कोई ना हो तो इंसान किन चैनल्स को देख रहा होता है, और अगर कोई मौजूद हो तो किन चैनल्स को देख रहा होता है, ये तब्दीली क्यों आती है? टीवी तो वही है, चैनल्स तो वही हैं, क्यों तब्दील हो रहे होते हैं किसी की मौजूदगी में चैनल्स, और जब कोई मौजूद नहीं होता तो कौन से चैनल्स देखता है इंसान? क्यों? इसलिए कि किसी को शाहिद समझता है कि जो देखने वाला है ये, अगर मैं गलत चैनल इसके मसाल के तौर पर गाने इसके सामने सुन रहा हूँ, कोई बेहुदा फिल्म इसके सामने देख रहा हूँ, तो मेरी गिरफ्त करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा, मेरी इज्जत ख़राब होगी, अकेले में अपने आप को अकेला समझता है। इमाम अली ने क्या इरशाद फरमाया था? इमाम अली ने इरशाद फरमाया था इत्तकुअन मासियल्लाह फ़ी खलावातिकुम या फिल खलावात, अल्लाह की मासियत से अपनी तन्हाई में डरो। क्यों? फ़इन्नश शाहिदा हुवल हाकिम, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, और फ़कत देख नहीं रहा वही हुक्म भी करेगा, वही फैसला भी करेगा, वही गिरफ्त भी करेगा। ऐसा अगर मात का ये तस्वुर हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उस पर गिरफ्त है तो अब मेरा अमल संभल जाएगा। अच्छा ये फ़कत उसमें नहीं है कि सख्ती के मामला में हो, ये जजा के मामले में भी ऐसा ही है। अब जब इंसान, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बाज़ लोग अच्छाई के कामों से मायूस हो जाते हैं, भाई इस माशरे में कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, अच्छाई को लोग पसंद नहीं करते।
अगर इस आयत को अपना मेयार बनाया हो कि जिसमें खुदा ने कहा कि हम अम्मा कुंतुम तअमलून, जो कुछ तुम करते हो इसके बारे में पूछेंगे, हिसाब करेंगे, इंसान मायूस नहीं होगा। कोई देखे ना देखे मेरे अमल को खुदा देख रहा है, कोई समझे ना समझे खुदा समझ रहा है। अब जब कोई देखने वाला ना समझने वाला ना समझ रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? खुदा। कौन समझ रहा है? खुदा। कल जजा कौन देगा? खुदा। ये जो दोस्त इस प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं मायूस नहीं होते। क्यों नहीं होते मायूस? इसलिए कि इनके इस प्रोग्राम को यहाँ लोग पसंद करें ना करें, खुदावंद आलम इनकी जजा देगा। इन इस बात का यकीन है कि खुदावंद आलम इस बारे में पूछेगा कि काम कर सकते थे क्यों नहीं किया, जब कर सकते थे कर रहे हैं, जजा खुदा देगा। बहुत शीरीन है ये ख्याल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या आइम्मा अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियाँ, क्या आइम्मा अलैहिस्सलाम को ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बातों का असर कितने लोगों पर होगा? उसके बावजूद किसी इमाम ने मायूसी का इजहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो देखने वाला है वो जजा देगा। हमारे हर हर अमल को खुदा ने कहा, तुम्हारे हर अमल को देख रहा हूँ, हर अमल के बारे में हिसाब किताब करूँगा। बस हमारी हर मेहनत खुदा के सामने मौजूद है, ज़ाया नहीं जाएगी। इन्नल्लाह ला युगीउ अजरल मुहसिनीन, खुदा एहसान करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। अगर ये तसव्वुर माद का होगा हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। हम किसी के साथ नेकी करते हुए सोचेंगे नहीं और ना नेकी करके जिताएंगे। खुदावंद आलम ने कुरान करीम में एक और आयत में इरशाद फरमाया कि ला तबतुलु सदकातकुम बिलमन वलअज़ा, ऐ मोमिनो लोगों के साथ भलाई करो तो उसको जिता कर ज़ाया मत करो। लतब तुलु सदकातकुम, अपनी सदक़े को अपनी नेकियों को दूसरों पर जिता कर ज़ाया ना करो। यानी ऐसा ना, अगर तुमने किसी के साथ अच्छाई की तो ये मत कहो तुम भूल गए मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छाई की थी, तुम हो क्या, तुम्हें तो मैंने परवान चढ़ाया। मतलब किसी यतीम की परवरिश की तो कल उसको ऐसे एहसान मत जिताओ उसके ऊपर कि तुम हो क्या, तुम्हारी तो परवरिश मैंने की थी ना। खुदा कह रहा है अपनी नेकी को ज़ाया नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुमने जिसकी खातिर की है क़यामत पे छोड़ दो, वो तुम्हें इसकी बेहतरीन जजा देगा। बस अकीदे माद ये है कि हम खुदा वंदे आलम की बारगाह में इस चीज़ का यकीन रखें कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें जवाब देना है। अब वो अच्छा हो तो उसका जवाब खुदा लेगा और उसकी जजा देगा, बुरा हुआ खुदा वंदे आलम उसका सवाल करेगा, सजा देगा। क्या अमल की सजा है और अमल पे जजा है? नहीं। खुदा वंदे आलम ने कहा लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज, अल्लाह के लिए जो कुछ भी है आसमान और ज़मीन में। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में तुम उसे आश्कार करो औ तुख्फूहू, या उसको छुपाओ, युहासिबुकुम बिल्लाह, खुदा उस पर भी तुम्हारी गिरफ्त करेगा। तुमने अपने बरादर मोमिन के बारे में गुमान बद किया, अपने जहन में बुरा सोचा उसके बारे में, खुदा इस बुरे सोचने के बारे में तुमसे गिरफ्त करेगा। तुम अपने किसी बरादर मोमिन की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने अपने दिल में सोचा, अपने नफ्स में सोचता, काश कि मैं इस काबिल होता कि इसकी मदद करता, खुदा इस ख्याल की बुनियाद पर खुद तुम्हें जजा देगा। खुदा तुम्हारे नफ्सों में जो कुछ गुजर रहा है, जिसको तुम आश्कार कर रहे हो, आश्कार नहीं कर रहे हो, खुदा देख रहा है ना, फकत देख रहा है, इन तमाम चीज़ों पे हिसाब किताब करेगा। अच्छी चीज़ होगी जजा देगा, बुरी चीज़ होगी सजा देगा। बस ये बुनियादी आयतें जो माद के बारे में मेरी और आपकी जानिब तवज्जो करवा रही हैं। माद के ज़िंदगी पर असरात क्या हैं? चार या पाँच नुकात हैं जिनको आपके सामने बयान करूँ कि अगर इंसान इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाए जो आयतें आपके सामने कोट की हैं कुरान की, तो हमारी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। माद का पहला असर जो इंसानी ज़िंदगी पर पड़ता है वो ये कि इंसान को खुदावंद आलम ने किस लिए खल्क किया? अपनी इबादत, अपनी इताअत, अच्छी तरबियत के लिए। खुदावंद आलम ने अंबिया का मकसद क्या करार दिया? सूरह जुमा की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। नबी वो है जो लोगों की तरबियत करता है, लोगों का तज़किया करता है, लोगों को तहारत देता है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी एक उसूल है और वो ये कि ये तज़किया और तहारत कबूल करने की सलाहियत इंसान के पास होती है। फ़कत नबी अपने तौर पे किसी इंसान को तज़किया और तहारत नहीं अता कर सकता। अगर ऐसा होता तो फिर आप इस बात का जवाब यकीनन देखेंगे कि अगर नबी के होने से या नबी के साथ बैठने से हर इंसान पाक और मुनज़्ज़ा हो जाता तो फिर सूरह मुनाफिकून का नज़ूल किसके लिए? कुरान करीम की सूरह है, सूरह मुनाफिकून। मुनाफिक कौन है? कि जो इस्लाम के दायरे के अंदर है। मुनाफिक कौन है? कि जो इस्लाम की बात करता है। काफिर नहीं है। सूरह मुनाफिकून खुदा ने नाजिल की। कौन? के जो दो दिली करता है, दो रुखी करता है, दो चेहरे होते हैं, यानी रसूलल्लाह के साथ बैठता है, रसूलल्लाह की बातों को ज़बानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर तस्लीम करता है, हकीकत में तस्लीम नहीं करता।
یہ منافق ہے. یہ سورہ منافقون نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا ہر شخص سعادت کے راستے پہ نہیں ہے. رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا ہر شخص آخرت میں کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اس طہارت کو قبول کرنے کی ظرفیت نہیں تھی. ماد کیا کرتی ہے؟ آخرت کی یاد کیا کرتی ہے؟ آخرت کی یاد انسان کو اندر سے تیار کرتی ہے. میں اور آپ اگر ماد کے اوپر یقین رکھیں گے, مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جزا اور سزا کا قائل ہونا, ہمارے اور آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر ہم رسول کی بات بھی سنیں گے, پھر ہم اس کے احکام پر عمل بھی کریں گے. لیکن ہمارے اندر اگر یہ صفت نہ ہو, یعنی ہم اندر سے قبول نہ کریں, نتیجے میں کیا ہوگا؟ نبی کی بات سن کے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کی مثال محسن قراتی صاحب نے اپنی تفسیر میں ایسے دی کہ جیسے خالی کنواں ہیں, آپ خالی کنویں کے اندر بالٹیوں پہ بالٹیاں ڈالتے چلے جائیں, کنویں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کنویں کے اندر پانی جوش کھانا شروع نہیں کرے گا, کیونکہ خالی ہے, خشک ہے, اوپر سے ڈالا ہوا پانی کسی کام میں نہیں آئے گا. کنواں کون, کنویں کی تعریف کیا ہے؟ جو خود جوش ہوتا ہے, جس کے اپنے اندر صلاحیت ہوتی ہے, وہ پانی کو ابالتا ہے, وہ پانی کو ظاہر کرتا ہے, اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. ماد کی یاد خود جوش کنویں کی طرح ہے, اندر سے انسان تیار ہوتا ہے, اس کے بعد جب باہر کی تبلیغ ہوتی ہے اس کا اثر انسان لیتا ہے. مطلب ماد کا پہلا اثر, ماد کا ہماری زندگیوں میں پہلا اثر کیا ہے؟ ہم تربیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہم تربیت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں, ہمارا دل تربیت کے لیے نرم ہوتا ہے, ہمارا دل انبیاء کی تعلیمات کے لیے تیار ہونا شروع ہوتا ہے. تب جب ہم ماد پہ یقین رکھتے ہیں. ماد کا انسانی زندگی میں پہلا اثر کیا ہے؟ تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ماد کی یاد انسان کو تربیت کی جانب لے کے جاتی ہے, ماد کی یاد انسان کو تزکیہ تطہیر کی طرف راغب کرتی ہے, اور اس کے دل کو انبیاء کی تعلیمات کے نزول کے لیے ایک قابل ظرف میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ پہلی بنیادی صفت ہے. اس کے بعد ماد کی یاد اگر ہو تو کیا کرتی ہے؟ ماد کی یاد انسان کو اس کی الہی اور دینی ذمہ داریوں پر عمل کروانے کے لیے ضمانت کا کردار ادا کرتی ہے. اگر ماد نہ ہو, واقعا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے, ماد نہ ہو, مرنا نہ ہو, مرنے کے بعد اٹھنا نہ ہو, حساب کتاب نہ ہو, تو پھر کوئی چور چوری سے کیوں رکے گا؟ کوئی دھوکہ دینے والا کسی کو دھوکہ دینے سے کیوں بچے گا؟ کسی کا حق کھا جانے والا کیوں بچے گا؟ نامحرم سے انسان کیوں نگاہ بچائے گا؟ ظاہری لذتوں سے انسان کیوں اپنی آنکھوں کو پوشیدہ کرے گا؟ ماد نہیں ہے, قیامت نہیں ہے, حساب کتاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہری زندگی ہے بس. لیکن نہیں, ماد کا جب نظریہ آتا ہے خدا عالم نے جس کی جانب اشارہ فرمایا, تو پھر انسان ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے. ماد نہ ہو تو انسان سخت سردی کے اندر کیوں نماز فجر کے لیے اٹھے؟ ماد نہ ہو, آخرت نہ ہو تو انسان کو کیا ہوا ہے کہ وہ سخت گرمیوں میں خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے روزے انجام دے؟ ماد نہ ہو تو انسان کیوں خشک و خالی پہاڑوں کے درمیان جا کے حج انجام دے؟ ماد نہیں تو کیوں کرے انسان یہ سارے کام؟ ماد نہ ہو تو انسان کیوں اپنے پیسے میں دوسرے کو شریک کرے؟ یہ ماد ہے کہ جو انسان سے تمام کام کروا رہی ہے. آخرت ہے جس کی یاد انسان سے الہی ذمہ داریوں کو انجام دلوا رہی ہے. اس کی جانب سورۃ دہر کی آیت نمبر 10 میں اشارہ ہوا کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام نے, آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نظر رکھی, 3 دن کی نظر ہوئی کہ جس میں جناب حسنین کی شفا یابی کے لیے نظر کی گئی, شفا ملی, اس کے بعد روزہ رکھا, پہلے دن یتیم آیا اسیر, دوسرے دن اسیر آیا, مسکین آیا, اپنا سارا کچھ اٹھا کے دے دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم نے جو تمہیں اطعام کیا اللہ کی خاطر کیا. یعنی اگر خدا نہ ہوتا تو پھر یہ اہل بیت خود روزے کے باوجود بھوک کیوں برداشت کرتے؟ کیوں اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے یتیم کو دے دیتے؟ ماد تھی. انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم نے اللہ کی خاطر کیا. آگے ارشاد فرمایا انا نخاف, ہم خوف رکھتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اہل بیت. انا نخاف یوما عبوسا قمطریرا, ہم ڈرتے ہیں اس روز سے کہ جو آخرت کا روز ہے, ہم اس کی برائی سے, اس کے شر سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر ہم, اے مسکین, جب تم دروازے پہ آئے اور تم نے آنے کے بعد کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے, ہم اگر خدا کا خوف نہ رکھتے ہوتے تو ہمیں کچھ نہ دیتے. خدا کے خوف نے ہمیں پابند کیا کہ ہم نے اپنے کھانے کا سامنے چیز, اپنے منہ کا نیوالا تمہارے سامنے رکھ دیا, خدا کے خوف کی وجہ سے. بس یہ خدا کا خوف ماد کیا کرتا ہے؟ ماد انسان کی خدا وند عالم کی جانب سے ادا کردہ ذمہ داریوں پر عمل کروانے کی ضمانت فراہم کرتا ہے.
یہ معاد کی یاد ہے، آخرت کی یاد ہے، جو انسان کو اس بات پہ عمل کروا دیتی ہے کہ تم بھوکے رہ جاؤ، اپنے بھائی کے لیے اثار کر جاؤ، یہ معاد کی یاد ہے۔ معاد نہ ہو تو انسان شاید کسی بھی الہی ذمہ داری پہ عمل نہ کرے، شاید چند لوگ ہوں مولا علی جیسے کہ جنہوں نے فرمایا کہ خدایا نہ جہنم کی خوف سے نہ جنت کی لالچ میں ان میں سے کسی چیز کی خاطر تیرے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کس لیے سجدہ کرتا ہوں؟ وجدتک اہلا لعبادک، تجھ کو میں نے عبادت کے لائق پایا ہے تو سجدہ کر رہا ہوں۔ امام علی جیسے کتنے اس دنیا میں؟ ایک بھی نہیں۔ لہذا یہ معاد ہے، یہ آخرت ہے کہ جس کی یاد اگر ہوگی تو انسان اپنی الہی ذمہ داریوں پہ عمل کرے گا۔ معاد الہی ذمہ داریوں پہ عمل کرنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ تیسرا جو انسانی زندگی پہ اثر پڑے گا معاد کا اور معاد کی یاد کا، وہ کیا ہے؟ انسان کو قوت ملے گی، انسان کو ہمت ملے گی۔ معاد انسان کو ہمت دیتی ہے، مثلا قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت 249، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے سامنے جب لشکر آیا جالوت کا، جناب طالوت کے ساتھ تھے لوگ، اور جالوت کا لشکر آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کی تعداد یقیناً کم تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ یظنون انہم ملاق اللہ، جن کو یہ گمان تھا، یقین تھا کہ وہ خدا سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی معاد، یعنی قیامت کا جنہوں یقین تھا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، کتنی بعض دفعہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل قوم کثیر قوم پہ غلبہ پا چکی ہے، چونکہ خدا سے ملاقات پر ان کا گمان ہے، ان کو معلوم ہے کہ انہیں خدا سے ملنا ہے یعنی مرنا ہے۔ اب جب مرنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے اس میدان جنگ میں مریں یا نہ مریں، گھر میں چلے جائیں وہاں بھی موت آنی ہے، موت آنی ہے، خدا کے پاس جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب جب جانا ہے تو شہامت سے لڑیں گے، شجاعت سے لڑیں گے، اب پرواہ نہیں کریں گے کہ سامنے ایک ہے یا ہزار، اب ڈٹ کے لڑیں گے۔ جب موت کا یقین تھا تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا اشرون صابرون، تمہارے 20 صبر کرنے والے کتنوں پہ غلبہ پا گئے؟ 200 کے اوپر۔ یہ کس چیز نے یہ کام کروایا؟ معاد کے یقین نے، یعنی قیامت کا یقین انسان کو ہمت عطا کرتا ہے، معاد کا یقین انسان کو قوت عطا کرتا ہے۔ ابھی حزب اللہ کے نوجوانوں کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ کس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسرائیل جیسی بظاہر عظیم طاقت کا مقابلہ کر رہی ہے حزب اللہ؟ کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس؟ بہت زیادہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ راکٹ ہیں جو ان کندھوں پہ یا گاڑیوں میں اٹھا کے چلتے ہیں، کیوتشا یا دوسرے راکٹ ہیں، بس اس کے علاوہ کیا ان کے پاس؟ نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ ٹینک ہے، نہ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر کس چیز نے ان کو ڈٹنے پہ مجبور کیا ہے؟ کون سی چیزیں جس کی وجہ سے انہوں نے ہمت عطا کی؟ کون سی چیزیں جس کی وجہ سے انہوں نے شجاعت دکھائی؟ اس شجاعت کے نتیجے میں 33 دن کے اندر اسرائیل جیسی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا۔ یہ نوجوان جو حزب اللہ کے نوجوان ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تمہاری قوت کیا ہے، تمہاری طاقت کیا ہے، تمہارا اسلحہ کیا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ہماری قوت زیارت عاشورہ ہے، ہمارا اسلحہ وہ ہے جس کو امام علی نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ پروردگار اس پہ رحم فرما، لا یملک الا الدعاء، اس پہ رحم فرما کہ جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، وسلاح البکا، جس کا واحد سلاح تیری بارگاہ میں گری ہے۔ یہ گریہ کیا ہے؟ قیامت کا خوف، یعنی خداوندہ تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہم جب تیرے سامنے آئیں تو ہم اپنے اس مقصد کو انجام نہ دے سکے ہوں، ہمیں اس چیز سے نجات عطا فرمائے۔ حزب اللہ ہی نوجوان، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کے میدان میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے نوجوان نہیں ہیں، جنہوں نے 33 دن کی جنگ جیتی۔ پوچھا لوگوں نے کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کا وسلہ ہو البکا، ہمارا سلا بکا ہے، ہم رات کی تاریکی میں خدا سے کہتے ہیں خدایا تو نے ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ڈال دی، دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت اسلام کی جانب متوجہ، پروردگار یہ جو ذمہ داری ڈالی ہے ادا بھی کروا دے، ہمارے پاس ایک جسم واحد ہے جس کو تیری راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس جسم واحد کے ساتھ آتے ہیں، جو اسلحہ ہاتھوں میں اٹھا کے لا سکتے ہیں لاتے ہیں، اس میں برکت تو دے دے خدایا، ہم سے تو قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، لہٰذا ہم میدان میں آ گئے، ہم اسرائیل کے خوف سے ڈر کے نہیں بھاگے۔ کیا کیا معاد کی یاد نے؟ قیامت کی یاد نے کیا کیا؟ ہمت عطا کی۔ جب یہ ہمت عطا کی، اب یہ معاد کی یاد ہے، قیامت کی یاد ہے، جو میدان میں کھڑا رکھنے پہ ثابت قدمی ادا کرتی ہے، خدا اس کے نتیجے میں عزت عطا کرتا ہے۔ معاد کی یاد کیا کرتی ہے؟ انسان کو قوت عطا کرتی ہے، ہمت عطا کرتی ہے۔ چوتھی چیز معاد کیا کرتی ہے؟ جب انسان آخرت پر، قیامت پر یقین کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حق کو پہچاننے کے بعد اس پہ ثابت قدمی دکھاتا ہے۔
इसकी मिसाल हज़रत मूसा के ज़माने के वो जादूगर हैं। वो जादूगर के जब हज़रत मूसा ने आके ऐलान किया, नबूवत का इज़हार किया फिरौन के दरबार में, फिरौन ने क्या कहा? कहा कि तमाम जादूगरों को जमा कर लो और मूसा का मुकाबला करेंगे। अब जब तमाम जादूगर जमा कर लिए गए और उसके बाद वो वाक़या पेश आया कि उन्होंने अपनी अपनी रस्सियाँ फेंकीं, वो सांप में तब्दील हुई, हज़रत मूसा ने इज़्न इलाही से अपना आसा फेंका और वो अजदेहे में तब्दील हुआ, उनकी बनाई हुई तमाम सांपों को खा गया। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मूसा सच्चे हैं, नबी हैं, तो उन्होंने क्या किया? ये वही जादूगर थे कि जब मैदान में आए थे तो इन्होंने फिरौन से पूछा था कि फिरौन अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम देगा? फिरौन ने कहा था तुम्हें क़ुर्बत नसीब होगी मेरी, तुम्हें मेरी नज़दीकी नसीब होगी, तुम मेरे मुसाहिब ख़ास बनोगे। अब जब जनाब मूसा का मुअज़्ज़ा देखा और उसके बाद इस यकीन पर आ गए कि नहीं ये हक है, क्या हुआ? इन्होंने कहा हम ईमान लेकर आ रहे हैं। कौन लोग? जो अभी मूसा, जो अभी फिरौन की नज़दीकी के ख्वाह थे, फिरौन की नज़दीकी चाहते थे, अब उन्होंने जनाब मूसा पे ईमान ले आए हज़रत मूसा का मौजज़ा देख के। फिरौन ने क्या कहा? तुमने मेरी इजाज़त के बग़ैर ईमान इख्तियार किया है, मैं क्या करूँगा? तुम्हारे हाथ और पाँव को कटवा दूँगा, यानी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। यहाँ पर इन जादूगरों ने, जो जादूगर नहीं रहे अब बाईमान हो गए, इन्होंने क्या कहा? फ़क़्ज़ी, फैसला कर, फ़क़्ज़ी मा अंतक़ास, फैसला कर जो तुझे करना है। अजीब, चंद लम्हों पहले फिरौन की हिमायत चाहते थे, चंद लम्हों पहले फिरौन की नज़दीकी चाहते थे, एक मूसा के मौजज़े ने इनके दिल में ईमान बरपा किया, इस ईमान के नतीजे में इनको खुदा पर यकीन आया, खुदा और आखरत पर यकीन आया, इस आखरत की याद ने इनको क़ुव्वत अता की, साबित कदमी अता की। इन्होंने फिरौन से कहा कि तू हमें कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो कर दे जो तुझे करना है कर दे। आगे जुमला है, इन्नम तक़्ज़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, तू फ़कत इसी दुनिया के लिए फैसला कर सकता है, तो जो फैसला करेगा फ़कत इस दुनिया तक महदूद है, तो आखिरत में तो कुछ नहीं कर सकता। आखिरत हमारी किसके हाथ में? मूसा के रब के हाथ में। तो जो फैसला करना चाहे कर। वो लोग के जो अभी क़ुर्ब फिरौन चाहते थे, आखिरत की याद ने इतना तब्दील कर दिया कि फिरौन कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कहने कर दे परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा फैसला फ़कत इस दुनिया तक रहेगा, आखिरत तो खुदा की है, आखिरत में तो तेरा कुछ नहीं चलता, आखिरत तो मूसा के खुदा के हाथ में। हम आखिरत की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं, हम खुदा की जानिब जा रहे हैं, तेरी जानिब से की जाने वाली जहमतें बिलाखिरे नतीजा दिखाएंगी हमें, तू हमें जहमत में डालेगा, खुदा इसका बदला देगा, खुदा इसकी जजा देगा। बस आखिरत की याद क्या करती है? इंसान को कुव्वत अता करती है। माद क्या करती है? माद इंसान को हिम्मत अता करती है, साबित कदमी अता करती है। क्यों? क्योंकि इंसान के इस बात पे यकीन आ जाता है कि इस दुनिया की महदूद जिंदगी तक महदूद नहीं है इंसान, ये दुनिया की महदूद जिंदगी बहरहाल चाहे इंसान मरे यानी शहादत के जरिए इस दुनिया से जाए या ना जाए, अपने घर में भी रहेगा इंसान को मौत आएगी, लिहाजा जब मौत आनी है इसके बाद इस दुनिया से इंसान ने जाना है, तो क्यों ना वो काम करे जिसको खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह एक और आयत सूरह मुतफ़फ़ीन की आयत नंबर 29 से 34 में, इसमें भी उन लोगों का जिक्र है कि जिनको आखिरत की याद ने क़ुव्वत अता की, हिम्मत अता की, साबित कदमी अता की। क्या है आयत? इन्नल लज़ीना अजरमू कानू मिनल लज़ीना आमनू यदहकून, वो लोग के जो जुर्म करते हैं यानी मुजरिम है यानी कुफ्र करते हैं, वो मोमिनों पर हंसते हैं। होता है या नहीं होता? मोमिनों पर हंसते हैं लोग, नौजवानों पे हंसते हैं। नौजवानी में दाढ़ी रख ली, बूढ़े हो गए हो, कोई नौजवान बच्ची पर्दा करती है, लोग हंसते हैं। तुम्हें किसने कहा कि अपने सर पे हर वक्त दुपट्टा लपेटे फिरो? हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में, इस मजाक के मुकाबले में कौन सी चीज़ें जो क़ुव्वत अता करती है? आखरत। कि इंसान ये सोचता है, नौजवान ये सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मुझको ये हुक्म खुदावंद आलम ने दिया। एक नौजवान सोचता है मुझे दाढ़ी रखने का हुक्म खुदा ने दिया, मुझे तकलीद का हुक्म खुदा ने दिया। नौजवान बच्ची सोचती है मुझे पर्दे का हुक्म खुदा ने दिया। इस मजाक उड़ाने वाले के मजाक उड़ाने से मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसके कहने पे पर्दा छोड़ दूंगी कल कयामत में खुदा मुझसे पूछेगा। ऐसा ताने बर्दाश्त करता है इंसान किस वजह से? आखिरत की याद की वजह से, आखिरत पर यकीन की वजह से। फिर खुदावंद आलम ने इसी सूरह में आगे इरशाद फरमाया कि जो मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, ये मोमिन सब्र करेंगे तो नतीजा क्या होगा? फल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फारे यज़हकून, एक दिन वो आएगा कि जब ये ईमान वाले इन काफिरों के ऊपर हंस रहे होंगे,
इन मजाक उड़ाने वालों के ऊपर ये लोग हंस रहे होंगे कि तुम दुनिया में हम पे हंसते थे, देखो आज खुदावंद आलम ने हमारी इन जहमात का नतीजा क्या दिया। मसलन एक पर्दा करने वाली बच्ची कि जिसने पर्दा इख्तियार किया, खुदावंद आलम अगर उसको कल क़यामत में बीबी फातिमा जहरा के साथ महशूर कर दे तो उसका क्या बिगड़ा, कितनी अजीम सआदत है जो उसको हासिल हुई। इस दुनिया में मजाक उड़ाने वालों के मजाक से बचने की खातिर अगर ये पर्दा छोड़ दे तो इसका कितना बड़ा नुकसान है। लिहाजा आखरत पर ईमान, आखरत पर भरोसा, आखरत पर यकीन इंसान को साबित कदमी अदा करता है। इंसान न तोहमतों से डरता है फिर, न इंसान मजाक उड़ाने से डरता है, न धमकियों से डरता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान की वो चंद आयतें थी जिनको मैंने आपके सामने बयान किया। तकरीबन चार नुकात थे जो बयान करने की कोशिश की कि अगर माद की याद इंसान के दिल में आ जाए तो क्या होता है। इंसान तरबियत के लिए आमादा होता है, इंसान अंबिया की तालीमात को सुनने और कबूल करने के लिए अंदर से तैयार होता है। तब्दील वो इंसान होता है जिसके अपने अंदर तब्दीली की ख्वाहिश हो। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने बयान किया था कि अगर इंसान अंदर से तैयार ना हो तो अंबिया की तालीमात भी उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे पेश किया आपके सामने कि सूरह मुनाफिकून किन लोगों के लिए, जो रसूल के साथ बैठते हैं। अगर इंसान अंदर से तैयार हो तो फिर उसको रसूल को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अवैस करने की मिसाल मौजूद है, अवैस करने ने रसूल अल्लाह को देखा नहीं है, उसकी रसूल अल्लाह की ज़ियारत नहीं की, लेकिन दूर से रहने के बावजूद चूंकि अंदर से खुद जोश है उनका मामला, आखरत पर यकीन है। अब ऐसे करनी उस मकाम पे पहुंचे कि जब मदीना आए और रसूल अल्लाह से मिले बगैर चले गए, तो रसूल अल्लाह जब मदीना में आए तो उन्होंने आने के बाद क्या कहा, ये कैसी खुशबू है जो आ रही है, करन की खुशबू आ रही है। यानी अभी से करनी रसूल अल्लाह की ज़ियारत के बगैर उस मकाम पर पहुंचे, क्यों, क्योंकि अंदर से ईमान के लिए तैयार थे, अंदर से ईमान जोश खा रहा था, उस जोश की खुशबू है जो रसूलल्लाह सूंघते हैं। अब इसे करनी हो बस ये ईमान क्या, माद पर ईमान हमारे लिए क्या करेगा, हमें तरबियत के लिए आमादा करेगा। माद पर ईमान क्या करेगा, हमें साबित कदमी अता करेगा। माद पर ईमान क्या करेगा, हमें तोहमतों के मुकाबले में खड़े रहने की कुव्वत अता करेगा, हमें हिम्मत अता करेगा। ये माद और उसके इंसानी ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। ये तमाम गुफ्तगू कुरानी आयात के ज़रिए कोशिश की आपके सामने बयान करूँ। बस माद वो चीज़ है कि जिसको खुदावंद आलम ने हमारे उसूल दीन में लाजमी जुज़ करार दिया और कहा कि इस पर यकीन रखना हमारे और आपके ईमान का लाजमी जुज़ है। माद यानी हम और आप एक दिन इस दुनिया से जाएंगे खुदावंद आलम की बारगाह में, और खुदावंद आलम हमसे हिसाब किताब लेगा किस चीज़ के बारे में, अम्मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते थे उसके बारे में खुदा हिसाब किताब करेगा। जो कुछ छुपाते थे, जो कुछ आश्कार करते थे, जो तुम्हारे नफ्सों में था, चाहे उसको अमल में लेके आए या ना लेके आए, खुदावंद आलम उसके बारे में सवाल करेगा। अगर हमारे दिल में यकीन पुख्ता हो गया तो यकीन कीजिए ना हमसे किसी पे जुल्म होगा, ना हम किसी पे ज़्यादती करेंगे, ना अपने किसी नेक काम को करने में कभी मायूस होंगे। क्यों, क्योंकि जुल्म करते वक्त इंसान के जहन में ख्याल आएगा कि मेरा हाथ अगर उठ गया तो खुदावंद आलम इस उठने वाले हाथ के बारे में पूछेगा। इसी तरह मायूस नहीं होंगे कि अगर कोई समझ रहा है हमारी जहमात को तो कोई बात नहीं, नहीं समझ रहा तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि खुदावंद आलम हमको इसके बदले में बेहतरीन जजा अता करने वाला है। खुदावंद आलम हमें और आपको उन लोगों में से करार दे कि जिनको खुदा ने कहा कि हमने उनके ऊपर खालिस तोहफा, खालिस करम किया कि हमने उन्हें आखरत की याद अता की। यानी खुदा हमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब और अपने औलिया की तरह आखरत की याद में रहने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदा वंद आलम अपने आखिरी हुज्जत के ज़हूर में तआजील फरमाए। दुनिया में होने वाली तब्दीलियों में और जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है उस ज़िम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आलम बहरैन के मज़लूमों की मदद फरमाए। यमन, लीबिया, मिस्र, ट्यूनिस, जहाँ जहाँ भी ये तहरीकें बरपाएँ, खुदा यहाँ मौजूद इन तहरीकों को चलाने वालों की हिफाजत फरमाए। तमाम मोमिनों मुसलमानों के इत्तेहाद को महफूज फरमाए। खुदावंद आलम अपने आखिरी उज्जत के ज़हूर में फरमाए, ताजील फरमाए और हमें उनके असहाब में शामिल फरमाए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل و تمتعه فی